यह लाइन देख सकते हो गंगा एक्सप्रेस रोड की, कितनी सारी भाई मिट्टी यहाँ से कट चुकी है यहाँ से भाई गंगा एक्सप्रेस की। भाई यह भी लाइन देख सकते हो, यहाँ से भी इतना सारा नुकसान हो चुका है इसमें भाई, मिट्टी कट के। यहाँ पर भी देख सकते हो भाई गंगा एक्सप्रेस रोड की जो लाइन है भाई, ये भी ख़राब हो चुकी है यहाँ पर। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, एक वीडियो और गंगा एक्सप्रेस रोड की। तो फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ सबसे ऊँची वाली लाइन पर, गंगा एक्सप्रेस की जो दो VIP बड़ी लाइनें हैं तो उन्हीं पे खड़ा हूँ मैं। तो दिखाऊंगा भाई इसका काम कैसा कैसा और कहाँ पर बारिश हुई है कहाँ नहीं, और चलते हैं वीडियो करते हैं बैक कैमरे शुरू और वीडियो मैंने लास्ट तक। और ये लाइनें हैं ऊपर वाली गंगा एक्सप्रेस रोड की, और यहाँ साइड से भाई देख सकते हो इसका जो पानी भरा हुआ पड़ा है। और यहाँ से भाई बहुत ज़्यादा नीचा है इसलिए भाई इसकी चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है। भाई तो यहाँ से कुछ इसका नज़ारा देख ही सकते हो, तो यहाँ से भाई ग्रेडर ने भाई इसकी रास्ता बना दी है। और यहाँ से भाई जो देख सकते हो इसका काम गंगा एक्सप्रेस रोड का। तो अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ भाई ऊपर लाइन पे ब्रिज के, ब्रिज मतलब ऊंची लाइनें हैं और इन ऊपर खड़ा हूँ। तो इस जो भी फ़िलहाल थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी यहाँ पर, तो उसका भी पानी भी भरा हुआ है यहाँ पर। यहाँ मैंने अपनी साइकिल भाई रोक दी है और आगे के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ। और यहाँ भाई जो ग्रेडर ने रास्ता बना चुकी है यहाँ पर, और इधर साइड में इसका जो सामने का जो देख सकते हो भाई लाइनें यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं, और यहाँ मक्का सूख रही है जिस गांव वालों की। तो यहाँ से कुछ अच्छा खासा नज़ारा है भाई गंगा एक्सप्रेस वे का। और मैं भाई चल के दिखा देता हूँ इस गंगा एक्सप्रेस वे की लाइन पर ऊपर वाली पे। तो यहाँ का कुछ काम देख सकते हो ऐसे इस प्रकार हो गया है भाई, नीचे हो चुकी है इसकी बाउंड्री रोड की। तो यहाँ से हो चुकी है लमसम 1-2 किलोमीटर की बाउंड्री हो चुकी है, यहाँ से इधर के लिए नहीं हुई है, और इधर साइड के लिए बहुत ज़्यादा दूर तक कम्प्लीट भी हो चुकी है ये बाउंड्री वाली। और यहाँ से होकर भाई जो ये रास्ता दिखाई दे रही है, ये यहाँ से होकर भाई सारे के सारी जगह में ट्रक निकल के जाते थे भरे हुए माल के, और अभी फ़िलहाल देख सकते हो कितना पानी भर चुका है यहाँ पर, इस साइड से जाना चाहिए था। और ये वाली रास्ता है भाई जो बारिश से यहाँ होकर पानी उतर गया है यहाँ से, वैसे तो सेफ़ है भाई, ज़्यादा काम बिगड़ा नहीं है, JCB से भाई संवार भी दिया काम। और इसी प्रकार भाई काम चल रहा है यहाँ पर, कितनी चौड़ी भाई जगह और बची हुई है इसकी ये लाइन पर के भी। हाँ भाई जो देख सकते हो रोड का और हाल चाल कैसा है, और यहाँ पर जो भाई इंजीनियर खड़े हुए हैं इसका लेबल निकाल रहे हैं। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ऊंची है लाइनें, और गंगा एक्सप्रेस की लाइन है भाई, यहाँ से जो पानी निकल गया है यहाँ से भाई फट चुकी है लाइन। और यहाँ भाई आगे चल रही है JCB टर्नल बनने आया यहाँ पर, और यहाँ भाई जो ब्रिज बन चुका है इतना कुछ आगे देख सकते हो, और ये वाली लाइन कंप्लीट हो चुकी है, मोटरसाइकिल जा रही है फिलहाल। और इधर साइड से भी काम चल रहा है बहुत सारा इस पर, और अभी मैं यहाँ लाइन पर खड़ा हूँ भाई, ये लाइन कम्प्लीट हो रही है पीछे से, और यहाँ इंजीनियर काम कर रहे हैं फिलहाल, अभी बारिश की वजह से काम रुका हुआ है, कल की तारीख में भाई काम शुरू हो जाएगा इस पर। और ये सामने जा रहा है भाई डंपर जो भाई यह सीमेंट का माल है जो नाली बनाने में काम आता है और ब्रिज बनाने में काम आता है। ये बन चुका है भाई, यहाँ ब्रिज बन के एकदम कंप्लीट हो गया है, यहाँ इसके बाद कोई काम नहीं रहा है। और इधर साइड से भाई JCB है जो टर्नल में भाई डाल रही है बजरी, और इधर साइड से भाई ये वाली लाइन में खड़ा हूँ वाली कम्प्लीट हो चुकी है एकदम।
भाई ये जेसीबी का। से भाई जो मिट्टी का ट्रक आने वाला है भाई, अभी बारिश हुई है, अभी देख सकते हो पानी भरा हुआ है, फिर भी इस भाई बारिश में मिट्टी की ढुवाई चल रही है और भाई थोड़ा नहीं बहुत सारा भर के आ रहा है ये। तो यहाँ से भाई इसकी स्पीड देखो बहुत ज़्यादा तेज चलेगा या बहुत ज़्यादा स्पीड से चल जाता है उसकी जगह। भाई इसका ये भाई कहोगे मिट्टी कम है तो भाई मिट्टी भी देख सकते हो, ओ भाई देख पूरा ट्रक ही एक साइड को भाई हो रहा है। तो गंगा एक्सप्रेस की जो महल लाइन पे चढ़ाया हूँ मैं, और भाई यहाँ से इसका हाल देख सकते हो भाई, यहाँ से बहुत सारी मिट्टी जा चुकी है बारिश के कारण, और यहाँ से भी जा चुकी है भाई बहुत सारी। और सामने मेरी साइकिल भी खड़ी है, और इधर साइड से भाई इसका हाल ही देख सकते हो। और यहाँ से भाई मशीन चढ़ाई थी भाई, तो लगा सकते हो बारिश की टाइम में भी मशीन चढ़ाना कितना मुश्किल है, मगर भाई वो चैन वाली मशीन थी, वो पहाड़ों पे ही चढ़ जाती है। ये तो भाई मिट्टी है और थोड़ी ही ऊंची, लमसम 10 फुट ऊंची है। यहाँ पर भी देख सकते हो भाई मिट्टी जा चुकी है नीचे की तरफ यहाँ से बारिश के कारण, और यहाँ से भाई रोड भी रोड ही कट गया पूरा का पूरा यहाँ से। भाई यहाँ से देख सकते हो जो भाई बारिश के कारण कितना सारा रोड कट चुका है, यहाँ से ये वाला कट गया और यहाँ से ये कट गया, भाई पूरा का पूरा हॉल हो चुका है इसमें, और यहाँ से इतनी सारी जगह कट चुकी है, और देखो आगे भी कट गई है। यहाँ से भाई गया पानी होकर इधर के लिए नीचे की तरफ, और भाई इससे आगे की तरफ भी बहुत सारा नुकसान हुआ है इसमें बारिश से। तो यहाँ से देखो भाई जेसीबी ने संवार दिया, जो पिछली बारिश हुई थी, आज की बारिश में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, आज ज़्यादा तगड़ी बारिश नहीं हुई है भले ही। और यहाँ जो इस रोड की मैंने वीडियो डाली थी भाई बनाकर, मशीन से पड़ रहा था, तो अभी फ़िलहाल इसका जो काम देख सकते हो इतना कुछ कंप्लीट है भाई। अब यहाँ से ये टूट चुका है, तो मतलब ये दूसरी वाली लाइन जो होगी फिर से कंप्लीट होगी, आगे की तरफ काम जारी रहेगा। और यहाँ दोनों लाइनें कंप्लीट हो चुकी बनकर, तीन लाइनें यहाँ से, एक दो और तीन लाइनें फुल कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ पर। भाई यहाँ पर पानी देख सकते हो, पानी भर चुका है।